नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करने जा रहा हूँ वो है ECS T20 स्वीडन का 39वां मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है टीम महाराष्ट्र वर्सेस टीम डीजो गार्डन्स IF के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स में आपके लिए कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है कैप्टनसी के लिए, किस प्लेयर को आप लोग जेल में अपना कैप्टन बना सकते हैं या फिर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और कौन सा प्लेयर हमारे लिए इस मुकाबले में जैकपॉट रह सकता है। तो ये सारी जानकारियां आपको मैं वीडियो के अंदर देने वाला हूं और अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। बात करें वेन्यू की तो ये मैच खेला जाने वाला है नॉर्थ बोर क्रिकेट ग्राउंड में। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो, तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको फाइनल टीम ले या फिर फर्दर अपडेट भी ले किसी भी मैच से रिलेटेड क्रिकेट के, तो आप लोग ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पे क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स कितना फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे आपको बता देता हूँ। अभी हमारे चैनल पे करीबन 4500 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं, वो रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोनों टीम्स के प्रीव्यू की। तो ये जो ये मुकाबला है वो खेला जाने वाला है ग्रुप बी टीम्स के बीच में। महाराष्ट्र जो है वो इस टूर्नामेंट में दूसरी बार यहाँ पे खेलने वाली है डीजो गार्डन्स के खिलाफ। महाराष्ट्र जो है वो करेंटली अभी देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पे जो टीम DIF है वो करेंटली अभी टॉप पोजीशन पर है। महाराष्ट्र ने अभी तक टूर्नामेंट में 6 मुकाबले जीते हैं जिसमें से वो 3 जीते हैं और 3 हारे हैं, और DIF ने इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें से वो 5 मुकाबला जीते हैं। जो लास्ट टाइम दोनों का मैच हुआ था वो बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। विकेट की मैं बात करूं तो इनकी विकेट जो है, मतलब वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो वेदर इनका जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला नहीं है, 43% चांसेस हैं तो रेन हो सकती है मैच के दौरान, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करिएगा। विकेट की मैं बात करूं, जो विकेट होती है नॉर्थ बोर क्रिकेट ग्राउंड की वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट मानी जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बैट्समैन यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को भी मिलती है, उसके अलावा स्पिनर्स को यहाँ पे ना के मुकाबले मदद मिलती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे दोस्तों 95 रनों का है। जो भी टीम यहाँ पे चेस करती है वो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, चेस करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है। विनिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो 40 का है जो भी टीम यहाँ पे चेस करती है, यानी 10 में से 4 बार वो टीम जीतेगी जो यहाँ पे चेस करेगी। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको टीम महाराष्ट्र के लास्ट मैच के स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। तो इनका जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी टीम जीत के आ रही, वो मुकाबला अपना 6 विकेट से। इस मुकाबले में इनकी टीम को 72 रन बनाने थे और इनकी टीम ने 73 रन बना दिए थे। तो इनकी टीम की ओर से वकास हैदर, हामिस लेरी इनिंग की शुरुआत करने आए थे। वकास हैदर ने यहाँ पे डक पर आउट हो गए थे। हामिस लेरी ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, 15 गेंदों पे 17 रन बनाए और 3 चौके अपने इस पारी में लगाए। नंबर 3 पे शेरे अली है जिन्होंने 22 गेंदों पे 31 रन बनाए और 3 चौके इनकी पारी में भी शामिल थे। शाह जो कि इनके कैप्टन विकेट कीपर, इन्होंने भी 7 गेंदों पर 10 रन बनाए। सोईदुल्ला यहाँ पर डक पर आउट हो गए और यहाँ पर उस्मान आरिफ ने 5 गेंदों पर 8 रन बनाए। तो इनकी ओर से देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन यहाँ पर रहने वाले हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं वकास हैदर, हामिद सुलेरी, शेरे अली, और उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे सईदुल्ला को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये तीनों जो बैट्समैन है वही अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि T10 में ऑलवेज टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इसी कारण से आप इन तीनों बैट्समैन में से ही किसी को भी अपनी टीम में पिक करिएगा। बात की जाए दोस्तों इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आप देखेंगे उस्मान आरिफ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 2 ओवर में 7 रन दिए। इकॉनमी देखी जाए तो 3.5 की इकॉनमी रही, पर विकेट लेने में कामयाब नहीं रह पाए। कोयम्बर सईद ने 2 ओवर में 21 रन दिए, एक विकेट निकाला। अजमल रजा ने 2 ओवर में 17 रन दिए, एक विकेट निकाला। हामिस लेरी ने 1 ओवर में 5 रन दिए, एक विकेट निकाला और एक ही ओवर कराया। सईदुल्ला ने 2 ओवर में 17 रन देके एक विकेट निकाला और यहाँ पे उस्मान ने 1 ओवर में 4 रन दिए और इनके ये भी विकेटलेस यहाँ पर रहे। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे वो यहाँ पे उस्मान आरिफ रहेंगे, सैयद रहेंगे, अजमल रजा रहेंगे, हामिस लेरी रहेंगे और यहाँ पे सईदुल्ला रहेंगे। तो जो ये 4-5 बॉलर्स हैं वो इनकी टीम से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन बॉलर्स में से ही किसी को भी आप लोग अपनी टीम में पिक करिएगा।
अब मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे टीम DIF की। तो इनकी जो टीम है वो अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है 32 रनों से। इस मुकाबले में इनकी टीम को 110 रन बनाने थे और इनकी टीम 78 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। तो इस मुकाबले में इनकी टीम की ओर से बोशोफ ओपन करने आए थे, जो कि अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। इन्होंने 15 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली, 2 चौके अपनी पारी में लगाए। उसके अलावा इनके साथ ओपन करने आए थे डेनियल नेसीला, जिन्होंने 13 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली। रिची रॉबिन्स ने यहाँ पे 7 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली। शहजेब चौधरी ने यहाँ पे 7 गेंदों पर 5 रन की पारी खेली। रियान किंग्सले यहाँ पे रन आउट हो गए। दीपक चंदेल की मैं बात करूँ तो इन्होंने भी 2 गेंदों पर 2 रन बनाए। आसिम बुखारी भी यहाँ पे दोस्तों 8 गेंदों पर 7 रन बना पाए और अंकित दुबे भी यहाँ पे दोस्तों 2 गेंदों पर 1 रन बना पाए। तो इनकी ओर से देखा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहने वाले हैं वो यहाँ पे बशोफ रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपको ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये रन बना रहे हैं टूर्नामेंट में। उसके अलावा रिची रॉबिन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शहजेब चौधरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन तीनों बैट्समैन को आप लोग जरूर अपनी टीम में ट्राई करिएगा DIF की ओर से, और ज़रूर इनको अपनी टीम में पिक करेगा, क्योंकि इन्हीं तीन बैट्समैन के ज़्यादा चांसेस हैं अच्छा स्कोर करने के, क्योंकि ये तीनों बैट्समैन टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जो कोहने ने इन्होंने 2 ओवर में 19 रन दिए, विकेट लेस रहे। प्रशांत शुक्ला ने यहाँ पे 2 ओवर में 17 रन दिए, 2 विकेट निकाले, ये भी अच्छा बॉलिंग इन्होंने कराई। श्रवण करण ने यहाँ पे 2 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट निकाले। सहजेब चौधरी ने यहाँ पे दोस्तों 2 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट इनको भी मिला। और अंकित दुबे ने दोस्तों यहाँ पे 2 ओवर में 18 रन दिए और 3 विकेट यहाँ पे दोस्तों इनको मिले। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहने वाले हैं वो यहाँ पे अंकित दुबे रहने वाले हैं, सहजेब चौधरी रहने वाले हैं, कनन रहने वाले हैं और यहाँ पे प्रशांत शुक्ला रहने वाले हैं। बाकी अगर आप कोहने को ट्राई करना चाहें तो डिफरेंशियल पिक के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, प्लेयर काफ़ी अच्छा है, विकेट टेकर बॉलर है और अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों टीम्स के टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आने वाला है वकास हैदर का, राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं अपनी टीम महाराष्ट्र के लिए। टूर्नामेंट में 118 रन बना चुके हैं। शहजेब चौधरी की मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं अपनी टीम DIF के लिए। टूर्नामेंट में 78 रन 11 विकेट्स ये भी निकाल चुके हैं। बोशोफ की मैं बात करूँ तो ये भी राइट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन है DIF के, और टूर्नामेंट में 181 रन ये बना चुके हैं। अंकित दुबे की मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं। टूर्नामेंट में 5 विकेट निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्या रहेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के। तो आप लोग कैप्टन बना सकते हैं शहजेब चौधरी को, वकास हैदर को, और वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हैं बोशोफ को और यहाँ पे अंकित दुबे को। एक्सपर्ट एडवाइस यही रहने वाली है जो शहजेब चौधरी वो आपके लिए गुड ऑप्शन रहने वाले स्मॉल लीग में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके अलावा शेर अली एंड सैयदुल्ला को आप लोग GL में पंट प्लेस के रूप में ट्राई कर सकते हैं। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है वो यहाँ पे 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का बन सकता है। अगर मैं बात करूँ इस मुकाबले में कौन सी टीम विन करेगी तो यहाँ पे DIF के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस मुकाबले को विन करने के। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 लाइक करने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, पर आपका 1 लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पर करेंटली 4500 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों मैं चलता हूं ड्रीम 11 की ओर, जहां पर मैं आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और GL टीम प्रोवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन की। तो 2 से 4 पिक आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। पहली पिक यहाँ पर सली की, इनका बैटिंग ऑर्डर मैं बता देता हूँ। नंबर 3 पे आते हैं और लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। उसके अलावा रिची रॉबिन्स की मैं बात करूँ तो ये भी आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए बशोफ की, तो ये अपनी टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं और अपनी टीम के कैप्टन और सबसे अच्छे बैट्समैन हैं ये टूर्नामेंट के, हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं।
बाकी आप यहाँ पे डीन निसीला को भी ट्राई कर सकते हैं, लास्ट मैच में ये भी अपनी टीम के लिए ओपन किए थे और इन्होंने भी अच्छी पारी यहाँ पर खेली थी। तो देख सकते हैं दो तीन मैच ऐसे ये खेले और सभी में ये अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो आप अगर इनको ट्राई करना चाहें तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है विकेट कीपर सेक्शन से, वो यहाँ पे बशोफ रहने वाले हैं, जो कि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं पहले मैच से। आप इनका अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो लगातार जो भी मैच खेले सभी में ड्रीम टीम में इनका नाम आ रहा है, लगातार अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम के लिए दे रहे हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर मैं बशोफ को अपनी टीम में ट्राई करूंगा और किसी अनदर विकेट कीपर को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। बाकी अगर मुझे आगे कोई अच्छा बैट्समैन, अच्छा ऑलराउंडर, अच्छा बॉलर नहीं मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर मैं सली को ट्राई करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में ओनली वन विकेट कीपर रखने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर बशोफ। बात की जाए दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर हम वकास सेदर को अपनी टीम में ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बुखारी को ट्राई करेंगे, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। जो लास्ट यहाँ पे प्लेयर होगा वो यहाँ पे वकास होगा, तो यहाँ पर हम इनको ट्राई कर लेंगे। बाकी और वही ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी ऑप्शन आपके लिए इतनी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली नहीं है इन तीनों को छोड़ के, तभी यहाँ पर मैं इन तीनों प्लेयर्स को लेने वाला हूँ ऐसा बैट्समैन। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूं तो अपनी टीम में मैं शहजेब चौधरी को ट्राई करूंगा, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं, लगातार टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी जा रही है। उसके अलावा यहां पर आप चाहें तो सुलेरी को भी मैं ट्राई करूंगा, लगातार ये अच्छी खासी बॉलिंग करा रहे हैं और साथ में ओपन करने आते हैं तो अच्छी खासी बैटिंग करके जाते हैं, 10 से ज़्यादा रन तो बना ही देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम अंकित दुबे को ट्राई करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पहले मैच से ये अच्छा परफॉर्म करें और लगातार विकेट निकालकर अपनी टीम के लिए दे रहे हैं, तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पर इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने एक पिक और बसती है जहाँ पर एक आप लोग एक ऑलराउंडर चूज़ कर सकते हैं, तो आपके सामने यसुल्ला की पिक और यहाँ पर यू आरिफ की पिक है। तो देखिए यू आरिफ यहाँ पर अपनी दो ओवर की बॉलिंग कराते हैं और यसुल्ला भी अपनी दो ओवर की बॉलिंग कराते हैं, लेकिन डिफ्रेंस ये है कि जो यसुल्ला है वो डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं और यू आरिफ जो है वो मिडल ऑर्डर में बॉलिंग कराते हैं। बैटिंग की मैं बात करूँ तो यसुल्ला का बैटिंग ऑर्डर भी यू आरिफ से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, तो इसी कारण से यहाँ पर हम यसुल्ला को ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर यसुल्ला को भी ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आकर आप लोग यहाँ पर एस अली को ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं ऑलवेज आपको प्रेफर करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में पिक करिए T10 मैचेस में, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट कलेक्ट करके दे देते हैं। बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए रजा इंपॉर्टेंट होंगे, पी शुक्ला आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर एस करन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी देखा जाए तो कॉनन की भी काफ़ी अच्छी पिक है, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन लास्ट मैच में विकेट लेस रहे थे तो इसी कारण से काफ़ी कम लोगों ने इनको ट्राई किया है। बाकी आप इनको जीएल टीम में अपनी ज़रूर रखिएगा। और कोई ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे और कोई ऑप्शन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी टीम क्रिएट हो चुकी है और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स DIF के पिक करूँगा, तो इसीलिए मैंने इनकी टीम की ओर से 6 प्लेयर्स को रखा है और 5 प्लेयर ओनली मैंने महाराष्ट्र का पिक किया है। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मैंने अपनी टीम में एक विकेट कीपर रखा है, 3 बैट्समैन रखे हैं, 4 ऑलराउंडर्स रखे हैं और 3 मेन बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी हुई है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में किस प्लेयर को मैं कैप्टनसी और किस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टनसी देना चाहता हूं। तो स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कैप्टनसी का चौधरी रहेंगे और वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए सुलेरी यहाँ पर रहेंगे, और कोई ऑप्शन आपके लिए इतना बेटर नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों प्लेयर्स हैं वो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा के देने वाले हैं, 2-2 ओवर की बॉलिंग और टॉप ऑर्डर पर बैटिंग दोनों ये आपको करके देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी इस टीम को सेव कर लेता हूँ, आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस हेड टू हेड टीम को यूज़ कर सकते हो। इसी सेम टीम के साथ मैं यहाँ पे अपने हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, बाकी आप जहाँ पर भी प्ले करते हो, जिस एप्लीकेशन पर भी प्ले करते हो, इस टीम के साथ आप लोग जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएल टीम की, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर आपको जीएल टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो जीएल टीम में यहाँ पर मैं देखिए जो पहला रिस्क लेने वाला हूँ वो यहाँ पर मैं बोशोफ के ऊपर लेने वाला हूँ, उनकी जो यहाँ पर मैं सली को लेने वाला हूँ। हो सकता है कि बोशोफ इस मुकाबले में जल्दी ही आउट हो जाए, यहाँ पर 10 या 20 रन कर पाएँ, तो यहाँ पर मैं इनके ऊपर पहला रिस्क लूँगा। दूसरा रिस्क यहाँ पर मैं सुल्ला को ड्रॉप करके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर लेने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर क्यू सैयद। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जो टीम है वो मैंने थोड़ी सी बैलेंस यहाँ पर की हुई है, 6 प्लेयर को मैंने फोकस किया है महाराष्ट्र की ओर से ग्रांड लीग में और 5 प्लेयर्स को मैंने DIF की ओर से फोकस किया है। अपनी इस जीएल टीम में अगर मैं बात करूँ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी में किसको दूंगा, तो कैप्टेंसी यहाँ पर मैं सुलेरी को दूंगा और वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर मैं एस चौधरी को दूंगा, क्योंकि इस टीम में महाराष्ट्र टीम को फेवर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस टीम से महाराष्ट्र टीम विन करे, तो इसीलिए मैं कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो कैप्टन जो है वो महाराष्ट्र की ओर से किसी एक प्लेयर को बनाऊंगा। तो ये मेरी जीएल टीम रहेगी। बाकी इस जीएल टीम में आप अगर और भी चेंजेस करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अंकित दुबे की जगह पर आप लोग आसिफ को ट्राई कर सकते हैं या फिर रसुल्ला को भी ट्राई कर सकते हैं। तो जीएल में ये कुछ चेंजेस हैं पॉसिबल जो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मेरी जीएल टीम है, तो जो भी भाई लोग जीएल खेलना पसंद करता हो वो हमारी इस जीएल टीम का भी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। और बाकी ये मेरी हेड टू हेड टीम रहने वाली है, जो भी भाई हेड टू हेड खेलता हो वो हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकता है।
तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको एक लाइक करने में एक सेकेंड से भी कम समय लगेगा, पर आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर एक काम कर लेना। बाकी आप लोग चाहते हो लाइन पर टॉस के बाद अगर आपको कोई भी अपडेट मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री ड्रिंक्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। 4500 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री ड्रिंक्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने भी मैचेस हों जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें, हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।